सारे हैंड रेस करो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहता है, यू नो इट्स गुड ना यार, अच्छे मार्क्स आते हैं तो। अगर अभी 50% से ऊपर आए हैं तो ऑब्वियसली जब तुम्हारा सीए होगा तो ये तो कह सकते हो ना कि हाँ, मतलब हीट ट्रांसफर वाले जो क्वेश्चन होंगे उनके अंदर तो अच्छा कर ही देंगे, बाकी तो आगे की बात है, जो होगा देखा लेकिन जाएगा। सर 50% इनफ है क्या? देखो इनफ कुछ नहीं होता है, मतलब 50% में ये कहूंगा चलो ठीक है, बच्चे ने पढ़ाई तो की है ना, इनफ तो कभी कुछ नहीं होता इनफ, तो सर जब तक तुम 100 में से, 50% से ज्यादा आया तो भी रैंक बहुत मतलब बहुत कम आता है। हाँ तो 50% तो इज जस्ट लाइक कहते हैं पासिंग मार्क्स, कि तुम पास हो गए हो। तो अब तुम बताओ ना, तुम्हारे लिए क्या पास होना सफिशिएंट है? स्कूल के अंदर अगर तुम्हारे 35% आएंगे विल यू बी हैप्पी? सर फिर बात तो वही है। हाँ लेकिन इतना है ना कि पास तो हो जाओगे। मैं तो मान के चलो कि 50% इज, देखो 50% स्कोर भी इज ओके एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी तुमने टॉपिक को पहली बार पढ़ा है, उसका पहला ही हुआ है टेस्ट, ना ही तुमने उसका रिवीजन किया है, ना ही उसके बहुत प्रैक्टिस हुए हैं। तो अगर फर्स्ट राउंड में इफ यू आर गेटिंग 50% तो अच्छा है ना, जब तुम मैंने रिवीजन करोगे, जब तुम प्रैक्टिस करोगे, अपने प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, तो बढ़ते बढ़ते एटलीस्ट सेम टॉपिक में यू कैन गेट अप टू 70-80%। तो मतलब स्टेज है ना यार ये तो, सो दिस विल गो लॉन्ग। सर, लेकिन पेपर में क्या होता है टाइम बहुत कम मिलता है और फिर हड़बड़ हड़बड़ में एंड में सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, इसलिए रिसोल्व में बेटर आता है। हाँ तो इसीलिए तो कहते हैं ना कि यार प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा वो होता है। अगर सपोज किसी इंसान को कोई यार ना मैराथन दौड़ना है, तो वो क्या करता है? ऐसा थोड़ी होता है कि हाँ कल मैराथन है और आज सुबह मैं उठा और मैंने स्टार्ट कर दिया दौड़ना, कभी तुम मैराथन कंप्लीट कर पाओगे नहीं ना। तो पहले तुम उसके लिए ये प्रैक्टिस करते हो, पहले 1 किलोमीटर दौड़ते हो, फिर वो 1 किलोमीटर 1.5 होता है, फिर 2 होता है, फिर स्लोली स्लोली 1 month जब पूरा हो जाता है, जब तुम कहते हो ना कि नाउ माई बॉडी इज अडेप्टेड टू रन, मतलब कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर्स, सेम चीज विद द क्वेश्चंस, जो स्पीड है वो स्लोली स्लोली इंक्रीज होएगी, इट्स ऑल प्रैक्टिस। ठीक है ओके। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है स्टेटमेंट? बताओ बताओ। एंट्रोपी इंक्रीजेस विद टाइम। ओके एंट्रोपी ऑफ व्हाट? तो सिस्टम का एंट्रोपी एंट्रोपी टाइम के साथ बढ़ता रहता है। नहीं, सिस्टम का एंट्रोपी टाइम के साथ में इंक्रीज हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कार्नोट इंजन के अंदर सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हुई थी? हाँ, और अगर तुम ये स्टेटमेंट बोलते हो मतलब तुमने कार्नोट इंजन पढ़ाई नहीं है। कार्नोट इंजन को बस एक फॉर्मूला क्या था? हाँ तो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आया कैसे? सर वो नहीं पता। अबे क्यों, ऐसे कैसे नहीं पता? अब देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सर ने बस लिखा कि सेकंड लॉ ये फॉर्मूला होता कार्नोट इंजन का, और ठीक है बस, क्या मैंने इतना ही बोला था? बताया होगा ना पूरा पीवी ग्राफ है ना बना के। हाँ राधिका, सर उसका थ्योरी नहीं याद है, ऐसे फॉर्मूला आया था। फॉर्मूला तुमको याद है, मैं बोल रहा हूँ सर ने ना पीवी ग्राफ तो बनाया होगा ना, उसमें एडियाबेटिक कर्व होता है, आइसोथर्मल कर्व होता है। बेटा तुमने पढ़ाई नहीं की है, फिर तुम्हारे बदनाम करते हो सर को कि बस फॉर्मूला बताया है। ओके स्टेटमेंट क्या होता है थर्मोडायनामिक्स का? स्टेटमेंट तो आपने लिखवाया होगा, केमिस्ट्री वाले स्टेटमेंट तो लिखवाते हैं, बाकी काम कुछ करे ना करे, राइट? स्टेटमेंट क्या लिखाया था? नेचुरली अकरिंग प्रोसेस के लिए एंट्रोपी वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
इन शॉर्ट हम बोलते हैं कि एंट्रोपी ऑफ होल यूनिवर्स इज इंक्रीज. होल यूनिवर्स नॉट अकेले कहते हैं सिस्टम की नहीं, सिस्टम की हो सकता है ना हो, लेकिन सिस्टम प्लस सराउंडिंग. तो इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये हमेशा इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब होता है प्रोसेस हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसका मतलब यही होता है कि हम पहले छोटे बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर बुढ़े हुए, फिर मर गए. तो दिस इज द फ्लो. अब बताओ तुम में से कितने लोगों ने एक मूवी देखी है क्रिस्टोफर नोलन की, टेनेट? देखी है सर, देखी है, बहुत कंफ्यूजिंग, कुछ नहीं समझा सर. अच्छा किस किस को समझ में आई, थोड़ी बहुत भी? हाँ थोड़ी बहुत समझी. किस किस ने देखी है पहले हैंड रेज करो, देखें तो कौन कौन मूवी देखता है. सर आधा घंटा देखा पहला, उसमें दिमाग खराब हो गया फिर छोड़ दिया. हाँ इशुजोत क्या हुआ मूवी को देख के क्या समझ में आया? इतना भी नहीं समझा. तो उसमें सरदर्द आने के बाद में, हाँ नहीं होता है क्रिस्टोफर नोलन की मूवी के अंदर सरदर्द होता है, उसके इंटरस्टेलर देखोगे ये इतना आसान नहीं होता ना यार, मतलब स्टॉप करके देखनी पड़ती कि ओके ये इसने स्टेटमेंट बोला. उसने क्या बोला कि अगर यूनिवर्स में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि जो भी तुम्हारे रिएक्शंस हैं दैट आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर तुम पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी को समहाउ डिक्रीज कर दो तो क्या होगा? तो सब कुछ उल्टा होने लगेगा. तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, यू विल गो इनटू पास्ट. ये उस मूवी की पूरी थीम थी, है ना? पूरा वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पे बेस्ड था. हाँ हाँ वही तो है सब कुछ. देखो पास्ट और फ्यूचर, अगर तुमने सपोज पास्ट में जाके किसी इंसान को मार दिया, सपोज खुद को ही मार दिया, तो ये तो यार पैराडॉक्स हो गया ना कि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा ही नहीं. फ्यूचर बनेगा नहीं तो तुम पास्ट में कैसे आओगे और खुद को कैसे मारोगे फिर? तो वो तो है ही, लेकिन उसने जो एक कॉन्सेप्ट बोला था कि हाउ टू ट्रेवल इन पास्ट, तो उसने एक न्यू चीज की कि क्यों ना एंट्रोपी को रिवर्स कर दिया जाए. एंट्रोपी को क्या बोलते हैं, इंक्रीज करने के बजाय अगर हम उन्हें डिक्रीज कर दें, देन वी कैन गो इनटू पास्ट, ऑल द रिएक्शन विल मूव इनटू अ बैकवर्ड डायरेक्शन. एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है ना? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ यही बोलता है कि एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम इज इंक्रीजिंग. इन केमिस्ट्री, फिजिक्स के अंदर हम ऐसा नहीं बोलते कि एंट्रोपी, अपने को एंट्रोपी क्योंकि हमारे सिलेबस में एंट्रोपी है ही नहीं. हम इसके अंदर बोलते हैं कि नो इंजन, has 100% efficiency. Okay, efficiency का मतलब क्या हुआ? मतलब जितना एनर्जी हम लोग इनपुट कर रहे उतना ही आउटपुट हो रहा है. यस, अगर मैंने किसी सिस्टम को डेल्टा क्यू एनर्जी दिया और अगर उसने डेल्टा क्यू को पूरा का पूरे को मैकेनिकल वर्क में, मैं तो पहले बताया था कि फिजिक्स इज मोर इंटरेस्टेड इन यू नो मैकेनिकल वर्क. हमको कार चलानी है, हमको इससे नहीं फर्क पड़ता है कि तुम्हारा पेट्रोल कितना चल रहा है, कार कितना चल रहा है. तो इट्स अबाउट कि मैंने कितना हीट प्रोवाइड किया और मुझे उस हीट से कितना मैकेनिकल वर्क एज ए आउटपुट मिला, उसका रेशियो, राइट? सो तो डेल्टा क्यू, सो हमारे पास में मतलब एफिशिएंसी इन टर्म्स होती है आउटपुट अपॉन इनपुट. ओके, आउटपुट में हमारे पास में क्या आता है? वर्क, क्योंकि हमारे काम की चीज तो वही है. और इनपुट हमारा क्या होता है? डेल्टा क्यू. हम कोई भी इंजन को हम पेट्रोल देते हैं, पेट्रोल का बर्निंग होता है, उससे हमारे पास में हीट आती है, दैट इज द होल आइडिया. इसको इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा, ऐसे करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास होता है फिजिक्स में बोलते हैं. अब थोड़ा सा एंट्रोपी की बात कर लेते हैं. ओके, एंट्रोपी क्या होता है? स्टेट फंक्शन है. सिंपल क्या सिंबल क्या होता है इसका? एस. स्टेट फंक्शन है. इसका मतलब क्या?
एंट्रोपी का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर कितना वो है डिस्टरबेंस है, मतलब कितना डिसऑर्डर है. तो इफ माय सिस्टम इज टेकन इनटू सम प्रोसेस एंड कमिंग बैक टू द इनिशियल स्टेट, मतलब कि पहले वाला और घूम फिर के जो मैं वापस आया, दोनों एकदम ही आइडेंटिकल हैं. तो एकदम ही आइडेंटिकल हैं तो दोनों की जो एंट्रोपी है वो सेम है. तो मतलब कि एंट्रोपी में जो चेंज आया वो कैसा आया, जीरो. ओके, एंट्रोपी को अगर मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखता हूं तो क्या आता है, डीएस, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी. किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे मैं कितने हीट को एब्सॉर्ब कर रहा हूं, ये मेरे पास में एंट्रोपी में चेंज है. जितना ज्यादा हीट आएगा उतना ही ज्यादा मेरे पास में वो आएगा, क्या बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज होगी. प्लस माइनस से प्लस रिप्रेजेंट करेगा कि तुम्हारा जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो रहा है, माइनस अपने रिप्रेजेंट करेगा कि वो कम हो रहा है. ओके, अब हम पढ़ते हैं कार्नोट इंजन. तो एक्चुअली हमारे पास पढ़ने का जो बेसिक रीजन था वो यही था कि वी वांट टू कन्वर्ट हीट मतलब कि इनपुट इनटू सम मैकेनिकल वर्क. सो सब लोगों ने क्या किया, तुमने अभी वो अपने देखे ना साइक्लिक प्रोसेस देखे थे बहुत सारे. तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा था, वही फाइनल स्टेट है भाई. तुमने कहते हैं कार को स्टार्ट किया, तुम उसको चला के लेके आए, वापस लेके आए, तो कार का स्ट्रक्चर सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ है. लेकिन उस दौरान हमने उसको हीट दिया इन टर्म्स ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, और उसने जो अपना इंजन था उसने हमको मैकेनिकल वर्क दिया. तो अब हमने सोचा कि हमें मैक्सिमम वो लेके आना है वर्क, तो हमें साइक्लिक प्रोसेस चाहिए. तो देर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी ऑफ कहते साइक्लिक प्रोसेस, हमने इतने सारे साइक्लिक वो देखे ना प्रोसेस देखे हैं, उसका पीवी ग्राफ बनाएंगे और लेके आ जाएंगे. लेकिन जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए तो फिर हम लेके आए कि फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए. तो इन जो अपने पास में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज ऑफ साइक्लिक प्रोसेस है उसमें से एक ऐसा साइकिल निकाला जिसके अंदर सेम इनपुट देने पे जो आउटपुट आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है. तो उस इंजन को हमने बोला कार्नोट इंजन. तो इसके कुछ स्टेप थे, तो स्टेप देखते हैं. पता है तुमको स्टेप कौन कौन से थे? हाँ भाई, तो इस वाले एक्सिस के ऊपर हमने रखा वॉल्यूम, यहाँ पे हमने रखा प्रेशर. ठीक है, एक सपोज हमारे पास में एक पॉइंट है, यहां से हमने स्टार्ट किया प्रोसेस को, ये पॉइंट है ए. ठीक है, यहाँ पे हमारा इंजन रखा हुआ है. जैसे हमने इसको स्टार्ट किया, हम इसको हीट सप्लाई करेंगे भाई, जब तक कि तुम्हारा पेट्रोल बर्न नहीं होगा तो कार आगे थोड़ी ना जाएगी. तो सबसे पहले हमको उसको हीट देना है. तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वर्क डन होता है, अगर मैं सेम अमाउंट का हीट दूं तो बताओ. हाँ भाई, कौन से जो भी हमने चार पांच प्रोसेस पढ़े हैं, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, अपने एडियाबेटिक, कौन से प्रोसेस में वर्क डन मेरा वो होगा मैक्सिमम होगा? सर आइसोबारिक. ओके, देखो आइसोबारिक में बेटा क्या क्या होता है, आइसोबारिक में वर्क भी होता है, आइसोथर्मल होना चाहिए ना, और हाँ आइसोबारिक के अंदर वर्क डन भी होता है और हमको इंटरनल एनर्जी भी चेंज करनी पड़ती है क्योंकि हमारा टेम्परेचर चेंज होता है. तो भाई सबसे अच्छा मेरे पास आइसोथर्मल है, उसमें मुझे कहते हैं टेम्परेचर चेंज तो करना ही नहीं है, आइसोथर्मल है. यस, तो मैं उसको जितना भी अमाउंट हीट का दूंगा, जो भी अमाउंट दूंगा, सारा का सारा अमाउंट किसमें चला जाएगा,
वर्क डन में, तो सबसे पहला जो मेरा प्रोसेस है वो मेरे पास में होगा आइसोथर्मल. तो मैं लिखूंगा एक ए टू बी इज आइसोथर्मल. अब आइसोथर्मल के अंदर मेरा वॉल्यूम अपना एक्सपेंड हो रहा है, मतलब कि वर्क डन हो रहा है. ठीक है, वर्क डन हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, सिस्टम को हीट दूंगा. तो ये मैंने बोल दिया Q1, और ये मेरे पास में है इनपुट. पेट्रोल बर्न हुआ, उसने हीट दिया. ठीक है, और इसका मान लो जो अपना टेम्परेचर है वो मान लो है T1. तो यहां भी कितना T1 है, आइसोथर्मल है ना. यस, अब हमारी गैस एक्सपेंड हो गई है. अब मैं चाहता हूं कि आगे और वर्क डन हो जाए, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्टार्ट करूंगा एडियाबेटिक. क्या होता है एडियाबेटिक में, डेल्टा क्यू जीरो. ये अपना एडियाबेटिक है, इसमें क्यू की वैल्यू कितनी है, जीरो. एडियाबेटिक, मैंने हीट दिया ही नहीं फिर भी गैस ने अपने आप ही वर्क कर दिया. तो अब गैस जब वर्क करेगी, एक्सपेंड हो रही है, तो उसने वर्क कहां से किया, उसने अपने इंटरनल एनर्जी को कम किया. तो ये जो मेरा आएगा टेम्परेचर इस पॉइंट पे, सपोज इसको मैंने बोल दिया टेम्परेचर टी टू, तो मैं कह सकता हूं ना कि टी टू विल बी लेस देन टी वन, क्योंकि गैस ने अपने आप को एक्सपेंड करके वो किया, उसने इंटरनल एनर्जी कम की है. तो मेरे पास वर्क डन हो गया. यस, अब ए टू बी के अंदर हमारा एंट्रोपी में कितना चेंज हुआ, डेल्टा क्यू नहीं डेल्टा एस, डेल्टा क्यू बाय टी होगा, वो हो जाएगा क्यू वन, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर हमारा कैसा है, कांस्टेंट है. तो सिंपली क्या बन जाएगा, क्यू वन अपॉन बाय टी. और ये जो एंट्रोपी है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. क्यों, क्योंकि हीट बाहर से आ रही है. If I talk about B to C, zero. B to C is adiabatic. तो adiabatic के अंदर जो मेरा एंट्रोपी है वो कितना होता है, मुझे पता है कि Q by ये होता है ना, T होता है. तो डेल्टा Q जीरो है तो जीरो. अब साइक्लिक प्रोसेस है तो मुझे वापस लेके आना है. अब देखो, अब तुमने साइक्लिक प्रोसेस जो हमने एग्जांपल की तो देखा होगा कि जब तुम वापस आते हो तो हीट को रिलीज करते हो ना. अब वो जो तुमने हीट को ना रिलीज किया, वो हीट हमारा एटमॉस्फेयर में चला गया. अब एटमॉस्फेयर में अगर मुझे हीट को रिलीज करना है तो मैं चाहूंगा तो कि कम से कम, नहीं ना क्लोज है ना यार. यार तुम्हारा जो अपने डीजल जो कार के अंदर जो इंजन होता है वो खुला होता है क्या, ओपन कंटेनर होगा तो सारी गैस बाहर चली जाएगी ना. तो कंटेनर इज क्लोज. ठीक है, अब देखो, अब जब मैं वापस आऊंगा तो पहले मैं करूंगा आइसोथर्मल. क्यों, क्योंकि अभी जो मेरा रन, अगर मैंने यहां पे एडियाबेटिक कर दिया पहले तो मैं तो उसी पाथ पे आ जाऊंगा ना यार वापस. तो पहले मैंने किया एडियाबेटिक, नहीं अपना आइसोथर्मल. आइसोथर्मल ग्राफ थोड़ा सा नीचा होता है, तुमने देखा था है ना. हाँ सर. ये पॉइंट आ गया मेरे पास में डी. तो सी टू डी जो है दैट इज आइसोथर्मल. आइसोथर्मल, अब देखो, अब ये जो मेरा पॉइंट है वी, यहां पे मेरा जो अपने टेम्परेचर कितना आएगा, टी टू आएगा, क्योंकि आइसोथर्म है. इस वाले प्रोसेस के अंदर हीट क्या होगी, लिबरेट होएगी, क्यू टू बाहर जाएगा. क्यों, टेम्परेचर सेम है लेकिन वर्क डन कैसा हो रहा है, नेगेटिव. वर्क डन नेगेटिव हो रहा है मतलब कि हीट बाहर जाएगी. हीट बाहर जाएगी तो क्या सिस्टम की एंट्रोपी कैसी होएगी, डिक्रीज होगी. तो डेल्टा एस टू कितना बन जाएगा, क्यू टू बाई टी टू. और ये मेरा कैसा है, नेगेटिव. ये मेरा कैसा है, पॉजिटिव. क्योंकि वो पहले मैं कह रहा हूँ कि क्यू टू इज द अमाउंट ऑफ हीट जो कि बाहर चला गया. अब मैं वापस यहाँ पे आ गया, अब मुझे वापस वहां जाना है, तो वापस जाने के लिए मैं करूंगा
एडियाबेटिक, ताकि कोई भी हीट बाहर ना जाए, क्योंकि अगर बाहर जाएगी तो समस्या हो जाएगी ना, तो हमारे पास वर्क डन और कम हो जाएगा। तो डी टू ए एडियाबेटिक, एडियाबेटिक के अंदर डेल्टा एस जीरो, और इसके अंदर जो हीट है वो कितना हुआ, जीरो बाहर आया। ठीक है, कितना क्लियर है अभी सबको? आप देखो इसके अंदर हमने उसको इनपुट कितना दिया है, इनपुट हाँ भाई Q1 दिया, Q1 ही दिया ना, तो ये तो हो गया हमारा इनपुट Q1। आउटपुट, आउटपुट हम इंटरेस्टेड नहीं, हम इंटरेस्टेड किसमें होते हैं, वर्क है ना। तो हमको पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है नेट हीट सप्लाइड। तो नेट हीट सप्लाइड यहाँ पे कितना है, Q1 मेरे पास में थी, Q1 मैंने दिया, Q2 उसने एटमॉस्फेयर को दे दिया, तो गैस ने कितना वर्क किया, Q1 माइनस Q2। भाई सपोज मैंने गैस को 100 जूल एनर्जी दिया और उसने 20 जूल एनर्जी एटमॉस्फेयर को दे दिया वापस के, चलो निकलो, तो गैस ने कितना वर्क किया, Yes. तो ये मेरे पास में है, तो जो मेरे पास में एफिशिएंसी आएगी वो मेरे पास में क्या बन जाएगी भाई, Q1 minus Q2 upon Q1, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus Q2 by Q1, ये एफिशिएंसी है। अब देखो हीट हमको नहीं पता होती है, लेकिन हमको पता है, फिर से आते हैं, दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस, राइट। सो तो टोटल एंट्रोपी चेंज कितना होना चाहिए, डेल्टा एस फॉर द सिस्टम कितना होना चाहिए, जीरो। अगर मैं यहीं से स्टार्ट किया था पॉइंट ए से, वापस हम पॉइंट ए पे ही आ गया, तो एंट्रोपी में चेंज कितना होना चाहिए, जीरो। तो मतलब ये पॉजिटिव वाला और ये जो नेगेटिव वाला है इनको इक्वल होना पड़ेगा ना दोनों को। हाँ सर। तो मैंने लिखा कि Q1 upon T1 equal to Q2 upon T2, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मैं मेरे पास फॉर्मूले में क्या है, Q2 by Q1 है, तो Q2 by Q1 मेरे पास में क्या बन जाएगा, Q2 by Q1, तो बन जाएगा T2 by T1। अब इसी चीज को मैं एफिशिएंसी के अंदर पुट कर दूंगा ऊपर, तो मेरे पास एफिशिएंसी बन जाएगी 1 minus T2 by T1। ठीक है, अब देखते हैं T1, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ सोर्स, मतलब जिस टेम्परेचर पे तुमको हीट सप्लाई कर रहा है, ये हमारा सोर्स है ना, जो कि हमारा जो भी हमारा क्या बोलते हैं पेट्रोल बर्न होके जो हीट सप्लाई कर रहा है, सो दिस इज अवर टेम्परेचर ऑफ सोर्स T2। ये क्या है T2, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ सिंक। क्या मतलब होता है सिंक का, किचन के अंदर सिंक होता है, क्या करते हैं सिंक, उस चीज को बोलते हैं जो कि हमारे वेस्टेज को बाहर निकालता है ना, किचन में ये तो करते हो ना, जो जब भी कुछ काम हो जाता है तो यस, तो सिंक मतलब कि चीजें बाहर जा रही है, कहाँ जा रही है चीजें बाहर, इस वाले टेम्परेचर पे, इस वाले पे अपने T2 पे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो अब देखो टेम्परेचर ऑफ सिंक जो है वो हमेशा ही छोटा होगा टेम्परेचर ऑफ इससे, तो ये ऑब्वियस ही बात है, अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो अपने अब्सॉर्ब कर लेगा ना हीट को वो। तो अब अगर मुझे एफिशिएंसी को 1 करना है, मतलब कि 100% करना है, तो मेरा T2 कितना होना चाहिए, जीरो। अगर सिंक का टेम्परेचर अगर मैं 0 केल्विन कर दूं तो हमारी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, लेकिन वो तो यार होता ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी गैस को मैं 0 केल्विन पे ले जाऊंगा तो उसके बाद तो गैस मतलब कहते सब कुछ खत्म हो जाएगा ना उसका, तो इसलिए कहते हैं कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अब मुझे ये बताओ, तुमने कहा कि यहाँ पे ये हुआ सराउंडिंग जो है, कह देखो सिस्टम की एंट्रोपी तो बढ़ गई,
नहीं कि कहते हैं जीरो हो गई कि क्या कहते हैं तब सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? सिस्टम की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आया, तभी तो मैंने लिखा ना जीरो। अब अगर सराउंडिंग की बात करो, क्या सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज हुई है? यस। अरे देखो ना, कहते हैं सराउंडिंग के पास में हीट गई है ना, Q2 गई है, तो हमने सराउंडिंग को हीट दे दिया है। अगर हमने सराउंडिंग को हीट दे दिया तो उसकी एंट्रोपी बढ़ गई। तो अब बताओ कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग, मतलब कि इफ आई टॉक अबाउट द होल यूनिवर्स, तो होल यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज हो गई। तो केमिस्ट्री के अंदर हम इस वाले स्टेटमेंट को काम में ले लेते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। अब बताओ कुछ डाउट कार्नोट इंजन में? हाँ भाई। ओके अब देखो, इसके ऊपर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इजी से आते हैं, लेकिन किस टाइप से पूछते हैं वो ये देखते हैं। इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चन, हमेशा आता है। वो बोलेंगे एक कार्नोट इंजन हैज 50% एफिशिएंसी, ठीक है, व्हेन सिंक टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एफिशिएंसी बिकम्स 60%, ठीक है, ओके। तो हमसे पूछा है फाइंड टेम्परेचर ऑन विच दिस इंजन वर्क्स। ये जो हमारा इंजन है कौन कौन से टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है बताओ? कैसे करेंगे सोनल बताओ? सर वो टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो वो T-10 लेके। ओके तो बताओ कि व्हाट विल बी द इक्वेशन वन? इक्वेशन जो वन है उसमें मैं क्या लिखूं? पहले मुझे क्या दिया हुआ 50%, मतलब कि एफिशिएंसी कितनी है 0.5, इसको इक्वल टू क्या लिखूं सर? 1 minus T upon T minus 10। तो 1 minus T upon suppose इसको बोल दिया T2, इसको बोल दिया T1, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या लिखूंगा? Now efficiency has become 0.6। कब? जब कहते सिंक का टेम्परेचर कितना कम कर दिया T2 minus 10 upon T1। अब तुम्हारे पास में इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है, ठीक है ना, तो आराम से सॉल्व करेंगे। यहां पे जो भी अपने आएगा पुट इन केल्विन, क्योंकि यहां पे एब्सोल्यूट है ना टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जहां भी आता है केल्विन में पुट करते हैं। अगर यहां पे कहते सेल्सियस में करोगे तो लोचा हो जाएगा, क्योंकि 0 degree centigrade तो हो ही जाता है। जैसे तुम्हारा जो अपना TWD था उसका लास्ट क्वेश्चन था, उसमें लिखा था ना, उसमें डबल हुआ था टेम्परेचर। हाँ, क्योंकि अगर तुम वो जानबूझ के इसीलिए दिया गया था कि, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन तुम्हारा एक बार गलत हो जाएगा तो वो फिर से कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, और बताओ क्लियर है? हाँ भाई।
अरे आगे बढ़ू? हाँ सर। ओके, इसके ऊपर इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आते हैं, वो कैसे सिंक का टेम्परेचर देंगे, ये देंगे, बस एफिशिएंसी हमको पता होनी चाहिए उसका मीनिंग क्या होता है। फिर हमारे पास में आता है जिसको हम बोलते हैं हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, है ना। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? तो उससे पहले कुछ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। सपोज अगर तुमने एक बंद कमरा है, पूरा क्लोज कमरा है, ठीक है, उसके अंदर तुमने रेफ्रिजरेटर को खोल दिया, खुला करके छोड़ दिया, तो कमरे का टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? तो खुला करके मतलब? अरे मतलब उसका का ओपन कर दिया डोर, काम होना चाहिए ना टेम्परेचर। तो फिर तो यार एक काम करो सर, लेकिन सेम ही रहेगा ना सर टेम्परेचर, इतना अंदर इसी नहीं, घर के अंदर इसी क्यों लगाना है फिर? तो मतलब क्या, फ्रिज को ही खोल दो, सस्ता भी होता है, और भाई फ्रिज तो होता ही है घर के अंदर, तो फिर एसी क्यों लगाना है फिर? फ्रिज उतना एफिशिएंटली काम नहीं करेगा जितना एसी करेगा। ओके चलो इसका हम रिवर्स एग्जांपल लेते हैं। अगर जो एसी का जो एग्जिट है ना, यूनिट होता है वो ना अपना फैन वाला, हां सर, अगर उसको भी मैं कमरे के अंदर ही लगा दूं रूम में, और रूम को पूरा बंद कर दिया, अब एसी ऑन कर दिया, गर्म हो जाएगा। हां तेरा तब गर्म हो जाएगा बहुत। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि जो एसी जो हीट बाहर करता है वो भी अंदर ही आ रहा होगा, और वो ज्यादा होगी जितना ठंडा आ रहा है। क्यों होगी ज्यादा? अभी हमने देखा ना थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ यही बोलता है कि बेटा तुम कोई भी चीज बना लो, तो अब जैसे हमारा जो एसी है उसका काम क्या है? उसका काम है चीजों को ठंडा करना, राइट। तो जितना वो चीजों को ठंडा करेगा उससे ज्यादा वो एटमॉस्फेयर को ना गर्म करेगा, तभी तो सिस्टम प्लस यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तुम देखो ना रूम का टेम्परेचर कम हो गया, मतलब कि रूम से उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, हीट को, और बाहर फेंका है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जितनी एंट्रोपी अंदर कम हुई है उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ एंट्रोपी बाहर मेरा इंक्रीज हुआ है, तभी तो मेरा वो कहता है फॉरवर्ड एन प्रोसेस है। तो इसलिए अगर तुम दोनों यूनिट को अंदर ही लगा दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसको बोलते हैं हीट इंजन, ठीक है। जैसे कि अपना हीट इंजन जो कार्नोट इंजन भी हीट इंजन ही है, ऐसे इंजन जो कि हीट पे काम करते हैं। हीट मतलब कि जो भी तुम्हारा फ्यूल है वो बर्न होता है, उससे हीट आती है और फिर कुछ होता है हमारे पास में, इनको हीट इंजन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है रेफ्रिजरेटर में? रेफ्रिजरेटर इज लाइक ये, उसमें एक तो इंजन होता होगा हमारा, जिसको अपने वो बोलते कंप्रेसर वगैरह बोलते हैं ना, जो भी हो सकता है वो। तो एक तो हमारे पास में इंजन होता है जो कि काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। ओके, ये इंजन क्या करता है? ये हमारे पास ये है ना फ्रिज है, इसका टेम्परेचर बाहर से कम ही होता है ना, तो इसको मैं बोल देता हूं सिंक, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होता है। तो ये यहां से हीट को एब्जॉर्ब करता है, जैसे सपोज तुमने वो वाटर बॉटल अंदर रख दिया है ना, तो फिर वो क्या करेगा, धीरे धीरे उस पानी में से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा और बाहर फेंकेगा, तो तभी तो हमारी चीज ज्यादा ठंडी होगी। तो सपोज यहां से इसने Q2 अमाउंट ऑफ हीट को अपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको बोलते हैं कोल्ड रिजर्वर। कोल्ड, ये हमारा मैं अंदर वाला पार्ट है फ्रिज का, सपोज फ्रीजर बोल दो इसको, कि पानी रखा, पानी में से हीट को उसने एक्सट्रैक्ट किया और बाहर फेंक दिया, ठीक है।
ये हमारे पास में एग्जिट यूनिट जिसको अपने बोल सकते हैं अपना एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसका टेम्परेचर हाई होता है ना फ्रिज के अंदर से, तो सपोज इसने Q2 हीट को यहां पे फेंक दिया बाहर, ठीक है, ये हमारा हॉट या फिर इसको एटमॉस्फेयर बोल दो, अब हमारा जो इंजन है वो क्या करता है, काम करेगा, क्योंकि हम इसको इलेक्ट्रिसिटी वो कर रहे हैं ना, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर वर्क भी करते हैं, हम करते हैं वर्क। अब बताओ बाय एनर्जी कंजर्वेशन वर्क का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाँ अरे Q2 क्यों लिख दिया, Q1 आएगा ना यहाँ, तो इक्वल थोड़ी हो सकता है Q1, तो ये बन जाएगा Q1 माइनस Q2। तो हीट इंजन जो हमारा रेफ्रिजरेटर है वो इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि ये हमारे पास में इंजन है, ये इंजन क्या करता है कि हीट को वो करता है, कहता है सिंक से निकालता है, उस वाली हीट को भी अपने पास रखता है, और हम जो इलेक्ट्रिसिटी का बटन चालू करते हैं तो वो क्या करता है, वर्क भी करता है ना उसके ऊपर कि भाई तुम कुछ करो, तो वो यहां से वर्क भी लेता है और उसने इतने हीट को बाहर ये कर दिया। अब बताओ हमारे पास एफिशिएंसी क्या बन जाएगी इसकी, क्या होती है एफिशिएंसी, वर्क बाय, हाँ तो ये यहाँ पे जो एफिशिएंसी, यहाँ जो एफिशिएंसी होती है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, सीओपी कहीं कहीं पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, तो वो तो एक सिंपल सी बात होती है ना कि क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ओके आउटपुट, हमारे पास में आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, वर्क मिलेगा जो हम, नहीं नहीं अरे वर्क नहीं ना, हमारा पर्पस क्या है, हमारा जो चीजें ठंडी हो रही हैं वो है ना हमारा पर्पस, तो भाई तुमने वाटर बॉटल अंदर रखा, तुम्हारे काम की चीज क्या है, पानी कितना ठंडा, मतलब कि उसने कितना ठंडा किया, मतलब कि मेरे पास जो काम की चीज क्या है Q2, कि जो अंदर पानी था उससे कितने हीट को निकाल के तुमने बाहर फेंक दिया, तो काम की चीज तो वो हुई ना, ओके हमने इनपुट क्या दिया इसको Q1 minus Q2, ये हमने अपना जो वो था ना इलेक्ट्रिसिटी वाला जो जो, जो था प्लग उसको ऑन किया, उसने इंजन पे इतना काम किया कि भाई ये ले तू और वहां से हीट को निकाल, तो Q1 minus Q2 ये हमारे पास में वो है, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं वन अपॉन Q1 by Q2 minus, ये हमारे पास में है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर एन रेफ्रिजरेटर। अब यहां भी मैं लिख सकता हूं ना Q1 Q2, Q1 मेरा कौन से अपने टेम्परेचर पे आ रहा है T1 पे, Q2 मेरा कौन से टेम्परेचर से निकल रहा है T2 से, तो मैं कह सकता हूं कि Q1 by T1 equal to Q2 by T2, तो मैं यहां पे पहले इसको रिप्लेस भी कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा बीटा 1 अपॉन T1 by T2 minus 1। ये जो हीट इंजन है रेफ्रिजरेटर ये हमारे सिलेबस में नहीं है ना, लेकिन हो सकता है कि किसी और एग्जाम के अंदर ये आ जाए, तो इसलिए एक बार इतना सा पढ़ लो भाई, इतना कोई मुश्किल तो है नहीं, जो कार्नोट इंजन है ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हर चीज के लिए होता है कि बस इसके लिए, भाई देखो होता तो सबके लिए ही है, कोएफिशिएंट ऑफ जो जो परफॉर्मेंस है दैट इज अ बेसिकली एफिशिएंसी है ना, लेकिन तो लेकिन इसमें एफिशिएंसी का एकदम उल्टा लग रहा है, अरे तो यार देखो एफिशिएंसी जो मतलब यही होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, मैंने वहां भी ऐसा लिखाया था तुमको, एफिशिएंसी जो होती है वो हमेशा आउटपुट अपॉन इनपुट होती है, बात है कि लेकिन उधर वर्क चाहिए था और इधर हमें हीट चाहिए, नहीं नहीं हमको है ना फ्रिज से वर्क नहीं करवाना होता है ना, हमको क्या करवाना होता है सर्वाइव बोल रहा हूं, हमको हीट का काम करना है, एक्सट्रैक्ट करो, हमारा वहां पे
आउटपुट हमारा क्या है, हीट को मतलब एक्सट्रैक्ट करो, वर्क तो हम कर रहे हैं उसके ऊपर, वो वर्क तो हमको करना होता है ना भाई। हम जब तुम अपने एसी को इलेक्ट्रिसिटी देते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, वर्क करता है, वो वर्क क्या करता है कि जो तुम्हारा रूम है उससे हीट को अपने एक्सट्रैक्ट करता है और बाहर फेंकता है। तो बाहर उसने किस किस को फेंका, जो हमने उसको दिया वो भी, और जो हीट उसने यहाँ से ली वो भी, उन दोनों को कंबाइंड हीट में करके उसने बाहर फेंक दिया। इसीलिए कहते हैं कि जो एनर्जी बाहर गई है, जो हीट बाहर गई है, दैट इज मोर देन जो कि उसने अंदर ठंडा किया है। ठीक है भाई? हाँ सर। तो इसके ऊपर वो तुमको ऐसा ही देंगे कि भाई हाँ ठीक है, ये ऐसे ऐसे होता है, और फिर ये हमारी चीजें अपने अपने हो जाती हैं, बदल जाती हैं। ठीक है, अब कुछ कुछ पॉइंट मैंने नहीं बताया। एक चीज शायद तुमको याद हो, तुमने नाम सुना होगा, फ्री एक्सपेंशन। थोड़ा सा ऊपर से। हाँ, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, नाम सुना? ओपन कंटेनर में ढक्कन खुला हुआ रहता है ना, तो सिंपल सी बात होती है, अगर ढक्कन खुला हुआ है तो बाहर से कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा है। या फिर ये कह सकते हो फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि बाहर कुछ नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारा जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है मतलब कि पी जो एक्सटर्नल है वो कितना है, जीरो। पी एक्सटर्नल जीरो है तो बोलेंगे कि फोर्स जो एक्सटर्नल है वो भी कितना है, जीरो। फोर्स एक्सटर्नल जीरो है मतलब कि वर्क डन कितना आएगा, जीरो। ठीक है, और इसके अंदर हीट सप्लाई भी जीरो होता है। अगर हीट सप्लाई भी अगर मेरे पास में जीरो है तो बोलूंगा टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। ठीक है ना, तो ये बस इसके लिए इतना काफी है। कोई इसके अंदर क्वेश्चन वोश्चन अगर तुमने केमिस्ट्री में किया हो तो सही है, नहीं तो ये एक हमारे पास में स्पॉन्टेनियस होते हैं प्रोसेस। जैसे सपोज तुम पंप से किसी बैलून के अंदर हवा भर रहे हो और वो एकदम से फट गया, उसके अंदर ब्लास्ट हो गया। अब जो हवा बाहर जाएगी अपने एटमॉस्फेयर में, तो ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है? हाँ स्पॉन्टेनियस होगी, वो अपने आप ही अब जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। नहीं वो तो हो रहा है, लेकिन कौन सा है, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, फ्री एक्सपेंशन, कौन सा है? आप एग्जांपल एक मिनट रिपीट कर सकते हैं? हाँ चलो देखो एग्जांपल देता हूँ, और ये तुम्हारे उसके अंदर ही है पीडीएफ जो मैंने तुमको अपने दिया है ना, उसके अंदर भी है। तो सपोज एक तुम्हारे पास कार है, तो ये कार का टायर, ठीक है, तुम इसके अंदर हवा भर रहे हो, हवा भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए भरते गए, तो अंदर का जो है ना प्रेशर जो है वो तुम्हारे पास बन गया 6 atm हो गया। ऑब्वियसली बात है ना कि अंदर का प्रेशर हाई होता है, तभी तो जब तुम उसको खोल देते हो तो हवा बाहर आती है ना। एयर विल ऑलवेज मूव टूवर्ड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर हमको पता है 1 atmosphere है। अब तुमने और हवा भर दी इसके अंदर, और ये जो अपना कहते हैं टेम्परेचर जो है ना बाहर का, वो हमारे पास में है 25 degrees Celsius। अब ये तो कह सकते हो ना कि अगर ये बाहर का टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तो अंदर वाला भी इतना ही रहेगा, क्योंकि वो तो ना वो होता है ना रबर होता है ना, वो तो अंदर का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर सेम रहेगा, है ना। अब टायर एकदम से फट गया, हवा बहुत ज्यादा हो गई और टायर फट गया, अब क्या होगा? गैस बाहर निकल जाएगी सर, अब तो फ्री एक्सपेंशन होगा ना। क्यों, देखो एटमॉस्फेयर है बाहर, हम लोग कमेंट नहीं कर सकते ना कि किसका मतलब कौन सा प्रोसेस रहेगा, कि मास तो चेंज हो रहा है ना।
मास कहाँ चेंज हो रहा है? तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल एडियाबेटिक। अगर कोई प्रोसेस जैसे ये है ना, ये हवा मतलब एकदम से ही बाहर आ गई, ठीक है, तुम बताओ अगर हवा एकदम से बहुत फास्ट तुम्हारे पास में आएगी वो तुमको अब ठंडी लगेगी या गर्म लगेगी? अगर ये काम तुम जाके देख सकते हो अपने घर पे, कार है, स्कूटी है, व्हीकल है, उसका जो टायर है उसकी हवा निकालो, वो जो होता है ना गैसन बॉब, उसको हवा निकालो और हवा के आगे हाथ लगाओ, तुम खुद देख लेना वो तुमको ठंडी लगेगी या गर्म लगेगी अगर किसी ने किया हो तो। गर्म हवा से ठंडी आएगी भाई, गर्म क्यों हो जाएगी? जब तुमको कौन पंखा तुमको हवा देता है तो वो हवा ठंडी लगती है या गर्म लगती है? तो बाहर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। हाँ, मैं तो बाहर के अगर वो हवा तुमको बहुत जोर से फेंक के मारेगा तो वो हवा तुमको कैसे ठंडी लगेगी अभी, क्योंकि ये जो प्रोसेस है दैट इज इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, वो इतना स्पॉन्टेनियस हुआ है कि उसको हीट एब्जॉर्ब करने का या फिर अपने रिलीज करने का टाइम ही नहीं मिला, इतना स्पॉन्टेनियस हुआ ना। ब्लास्ट जब होता है तो स्पॉन्टेनियस होता है, तो उसको हीट एब्जॉर्ब करने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे इक्वेशन लग जाएगी पी वी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सपोज जो अंदर एयर है उसके लिए गामा तुमको 1.4 दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे हम किसके बात कर रहे हैं, टेम्परेचर में खेल रहे हैं ना हम, तो हम इसको अपने टेम्परेचर में चेंज कर लेते हैं, क्या बन जाएगा P, वॉल्यूम को मैं लिखूंगा टेम्परेचर अपॉन प्रेशर की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या बन जाएगा ये P 1 माइनस गामा टेम्परेचर की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर P 1 बाय गामा माइनस 1 टेम्परेचर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब मैं लगा दूंगा कि पी वन 1 बाय गामा माइनस 1 टेम्परेचर 1 इक्वल टू पी टू 1 बाय गामा माइनस 1 टी टू, इसकी वैल्यू कितनी थी 680 एम, इसका प्रेशर कितना था अपने इनिशियली 25 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करेंगे केल्विन में कितना बन जाएगा 298 केल्विन, ठीक है, यहाँ का हमारा कितना प्रेशर है 180 एम। अब ये गैस का फाइनल आएगा टेम्परेचर, ये हमको फाइंड करना है। तो इस टाइप के जो स्पॉन्टेनियस जो है प्रोसेस होते हैं जो कि सडनली हो जाते हैं वो इरिवर्सिबल में एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। ओके हाँ भाई, यस सर, और आओ, फिर तुमने वो देखा होगा इक्विवेलेंट सीपी इक्विवेलेंट सीवी इक्विवेलेंट गामा, है ना, इक्विवेलेंट सीपी सीवी गामा क्या होता है बताओ, इसके बारे में बात करते हैं। सपोज तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें तुमने बोला कि 5 मोल हाइड्रोजन के हैं, 6 मोल कहते हीलियम के हैं, और तुमसे बोला कि वो क्या है, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द मिक्सचर, तो किस टाइप से सॉल्व करते हो? यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं इक्विवेलेंट, ये अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, कौन बताएगा पार्थ उत्कर्ष? awesome. बताओ क्या होता है इक्विवेलेंट सीपी इक्विवेलेंट सीवी? सर ये सोचते हैं, अबे इतना सोचना पड़ता है क्या? अद्वैत, यस सर,
दिशा दिशा बताओ अदिति किसी को नहीं पता क्या सर वो मिक्सर अगर दिया है तो उसमें दो सपोज दो गैस आपने शायद से वो इक्विवेलेंट वो थर्मल कंडक्टिविटी निकालने के लिए शायद तभी आपने एग्जांपल दिया नहीं सर थर्मल कंडक्टिविटी नहीं वो कुछ अलग एक कुछ आप कह रहे थे तो सपोज हीलियम एंड हाइड्रोजन है हमारे पास तो हीलियम तो अपना मोनो एटॉमिक और हीलियम हमारे पास 10 मोल्स है और हाइड्रोजन हमारे पास 20 मोल्स है तो सर इक्विवेलेंट जो सीवी है दैट विल बी इक्वल टू 10 इनटू 3 आर बाय 2 प्लस 20 इनटू 5 आर बाय 2 अपॉन 30 तो मतलब फंडा ये है कि n1 CV1 plus N2 CV2 upon N1 plus N2. हाँ सर. कैसे आया? Average molar mass जैसा है क्या? कैसे आया? Suppose मेरे पास एक container है. Close container होना चाहिए पहले तो. इसमें एक गैस तो ये वाली है ब्लैक वाली ठीक है इसके मोल है N1 इसका जो अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है F1 फिर मेरे पास में एक और गैस है ये वाला लाल वाला इसके नंबर ऑफ मोल है 2 इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2 तो अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं कि व्हाट विल बी CV2 क्या बन जाएगा एक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है F2 तो उसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या बन जाएगा बताओ तो अरे ये तो होता है F2/2 R अभी तो बोल क्यों नहीं रहे हैं लोग सो गए क्या ये वाला समझ गया सर वो जो इक्विवेलेंट है वो हम लोग को हां 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 रुको रुको अब तो स्टार्टिंग करते हैं ना F1/2 R ये सही है हां सर है ना ओके अब देखो अब पहले तो मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला हमें पता होना चाहिए क्या होता है सी अभी मैं सिर्फ सी लिखा है ना मैंने सीपी लिखा है ना सीवी लिखा है कोई नहीं मोलर हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए मतलब कि डेल्टा क्यू बाय टी एन डेल्टा टी ये होता है मोलर हीट की बात कर रहा हूँ मोलर हीट कैपेसिटी ये होता है अगर मैं वॉल्यूम वाली बात करता हूँ तो ये तो सपोज तो पहले मैं करता हूँ कि फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसका मतलब क्या हो जाएगा वर्क डन जीरो तो मैं लिख सकता हूं ना कि डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू होता है भाई क्योंकि हाँ वर्क डन जीरो हो जाएगा ओके तो डेल्टा यू अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होएगा T1 से इंक्रीज होके T2 हो गया तो वो तो अब ब्लैक वाली गैस के लिए भी होगा और जो रेड वाली गैस है उसके लिए भी होगा दोनों के लिए ही होगा तो जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होएगा वो तो अपने दोनों का ही होगा ना यार तो मैंने लिखा डेल्टा क्यू तो डेल्टा क्यू ने क्या किया F1/2 R ये क्या है पहली गैस ठीक है इनटू N1 इनटू क्या बन जाएगा डेल्टा टी अगर मुझे टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज करना है तो पहली गैस ने कितना हीट खाया
उसने इतना खाया, दूसरे ने कितना खाया, F2 by 2 into R into N2 into T, ये हो गया। अब अगर मैं इस वाले Q को रिप्लेस कर दूं, ये तो Q है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां से इस वाले फॉर्मूले से, मोल, ये क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल, तो हमारे पास कितने बन गए, N1 plus N2, यहां पे मैंने लिखा CV इक्विवेलेंट, यहां पे अब मैं लिख रहा हूं ना CV इक्विवेलेंट into delta T, यहां से क्या बन जाएगा, ये क्या है CV1, ठीक है, into N1 plus ये कितना बन जाएगा CV2 into N2 into delta T, तो अगर मैं यहां से CV अपना इक्विवेलेंट निकालूंगा तो क्या बन जाएगा N1 CV1 plus N2 CV2 upon N1 plus N2, ये है इक्विवेलेंट CV। अगर मुझे निकालना है इक्विवेलेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम तो क्या करूंगा, तो इसको लिख सकता हूं ना कि F इक्विवेलेंट by 2 into R equal to, ये क्या बन जाएगा N1 F1 by 2R plus N2 F2 by 2R upon N1 plus N2, तो इक्विवेलेंट अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बन जाएगा N1 F1 plus N2 F2 upon N1 plus N2, ये बन जाएगा। तो अगर सपोज तुमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसके अंदर अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलोगे सर 4 मिक्सचर ऑफ गैसेस, हाँ, तो तुम बोलोगे यस इट हैज टू बी अ मिक्सचर ऑफ मोनो एटॉमिक एंड डाई एटॉमिक, क्योंकि जो मोनो है उसके लिए कितना होता है 3 होता है, डाई के लिए 4 होता है, नहीं 5 होता है, और 4 है तो मतलब उनके अपने बीच की कोई चीज है, तो इट हैज टू बी मिक्सचर। ओके ओके, ऐसे अगर मैं निकालना चाहूं कि वो क्या होगा अपना इक्विवेलेंट सीपी, तो N1 CP1 plus N2 CP2 upon N1 plus N2, क्योंकि तुम अपने जो हीट है उसको ऐसे लिखोगे ना कि पहले वाली गैस की कितना हीट लेगी N1 CP1 into delta T plus N2 CP2 into delta T, और ये क्या बन जाएगा N1 plus N2 CP equivalent into delta T, तो यहां से मेरे पास में ऊपर वाला आ जाएगा। व्हाट इज माय इक्विवेलेंट गामा, हाँ बताओ क्या होगा इक्विवेलेंट गामा, फिर ये सब मैं सीधा ऐसे यूज नहीं कर सकते क्या, जैसे इक्विवेलेंट गामा हम लोग सीपी इक्विवेलेंट अपॉन सीवी इक्विवेलेंट कर दे, यस वही करेंगे भाई, इसमें ऐसा मत कर देना कि यार हर जगह पे फॉर्मूला वो आ रहा है, तो एक काम करते हैं यहाँ भी ये कर देते हैं कि गामा इक्विवेलेंट इक्वल टू एन वन गामा वन प्लस एन टू गामा टू, ठीक है, अपॉन एन वन प्लस एन टू, नो दिस इज रॉन्ग, तो गामा इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, दैट इज सीपी इक्विवेलेंट अपॉन सीवी इक्विवेलेंट, तो इट विल बिकम एन वन सीपी वन प्लस एन टू सीपी टू अपॉन एन वन सीवी वन प्लस एन टू सीवी टू, ये है मेरे पास में गामा इक्विवेलेंट। तो अगर क्वेश्चन में अगर वो आ जाए ना, क्या बोलते हैं अपने PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और उसके अंदर अगर तुमको ने मिक्सचर दिया हो तो फिर ऐसे करें,
ठीक है। हाँ सर। तो ये हमारे पास थर्मोडायनामिक्स की चीजें हैं भाई, बस इतना करेंगे। बताओ इसके अंदर कुछ डाउट तुमको, कोई ऐसी चीज लग रही हो जो कि छूट गई हो? बाकी एंट्रोपी एंथैल्पी एंथैल्पी हमारे इसमें नहीं आता, फिजिक्स में नहीं आता, वो सब कुछ केमिस्ट्री में आता है। कर लोगे अब सब कुछ? वो सब में प्रॉब्लम है थोड़ा। किसमें? वही सर, एंट्रोपी एंथैल्पी वो जो सब यार वो, हाँ वो एक्चुअली अपने सिलेबस में नहीं है ना यार, तो अपन वो चीजें करते ही नहीं है, अपने सिलेबस में इतना ही होता है बस। ठीक है सर, नोट इन जीबी से थोड़ा करा दे। और कुछ नहीं है क्या? हाँ और कुछ नहीं है? नहीं बस इतना ही है। तो फिर इसका एचसीवी कंप्लीट करना है क्या फिर सर? यस, और यहाँ तक तुम्हारे इसमें आएगा सीएमए सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आएगा ना सीएमए? हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं आएगा, इलेक्ट्रो है ना सर। रोटेशन का कितना आएगा? रोटेशन में तुम्हारे वो क्वेश्चन हो गए ना, पुली उली वाले क्वेश्चन हो गए ना। हाँ सर, बस वहां तक ही आएगा कि एक कहते सिलेंडर को पुली से हैंग किया हुआ है, छोड़ दिया तो बताओ उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। हैं सर रोलिंग मोमेंट नहीं आएगा, काइनेमेटिक्स वाले पार्ट नहीं है। बस उतना ही आएगा, काइनेमेटिक्स वाला पार्ट ही आएगा, ना ही एनर्जी आएगा, एक्सेलरेशन निकालना है बस। और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन इसी को बोलते हैं ना काइनेमेटिक्स, तो है ना। एनर्जी वाला पार्ट भी नहीं आएगा कि भाई एक बॉडी सर, एंगुलर मोमेंटम ये सब नहीं आएगा। नहीं भाई वो तो एकदम आगे आएगा, वो तो एंड में आता है वो तो, ठीक है। तो अगर उसमें अगर देखोगे तो सबसे पहले तुम्हारा इक्विलिब्रियम, ठीक है, फिर बाद में ये याद आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, बस यहां तक वाली चीजें। इसके अंदर पूरा थर्मोडायनामिक्स तक। अब काफी लोग बोल रहे थे कि सर केटीजी थोड़ा सा वीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है, तो उसके लिए कभी एक मतलब असाइनमेंट है ना करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो केटीजी भी आ रहा है? नहीं उसको नहीं दूंगा, तो हमें एचसीवी का बस थर्मोडायनामिक्स अभी करना। नहीं ना कर तो लो ना यार, एससीवी तो कंप्लीट ही कर लो, क्योंकि तुम्हारा केमिस्ट्री में तो हो ही गया है ना, उसको एग्जाम में नहीं दूंगा, एक बार रिवाइज करवा दूंगा उसके बाद में उसका एग्जाम ले लूंगा, तुम्हारा अभी नहीं ले रहा हूं। वही सर, केटीजी एक बार बाद में रिवाइज करवा दो। सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा रहेगा? हेलो सर। हाँ कुछ ना कुछ डाउट्स वगैरह किसी भी चीज में? कल अभ्यास सेशन आप लेने वाले हो? कल क्या ट्यूसडे है ना? यस हाँ यस कल मैं लाऊंगा सर। वो पुली वाले क्वेश्चंस पे आप एक बार क्लास रख सकते हो क्या बाद में डाउट? कौन से पुली वाले? मतलब अभ्यास क्वेश्चन अभ्यास सेशन में वो हाँ ठीक है उसके अंदर। हाँ हाँ करवा दूंगा, वो क्वेश्चन करा दूंगा जो तुम्हारे इसमें आने वाला है सीए में। हाँ सर चीजें करवा दूंगा सारे, है ना। तो चाहिए तो मैं तुमको अपने 3-4 क्वेश्चन लिख के देता हूँ अभी, उनको अन करके देखना, ठीक है। एक काम करो, एक हमारे पास ये है ना, ये तुमको दिया हुआ है सॉलिड सिलेंडर मास एम रेडियस आर, इसको मैंने ये ऐसे बांधा हुआ है स्ट्रिंग से, ठीक है। और ये नीचे आ रहा है रोल करके,
तो तुमसे पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन अल्फा एंड टेंशन, स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। मान लो पूरा कहते हैं सिमेट्रिक है, मतलब कि इधर उधर का जो स्ट्रिंग का लेंथ है वो सेम है। क्वेश्चन टू, क्वेश्चन टू में बोला है कि एक मेरे पास में ये है डिस्क, मास एम, रेडियस आर, इसको एक साइड से स्ट्रिंग से मैंने ऐसे बांधा हुआ है जो, ठीक है, ये जो चीज है इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूं विद द एक्सेलरेशन ए नॉट, ठीक है, इस पॉइंट को, ये इसका सेंटर ऑफ मास है ओ। फाइंड ए नॉट सच दैट, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ओ ये इज जीरो। इन दैट केस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा और उसका अल्फा कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन थ्री, ये मासलेस है, ये मास एम का ब्लॉक है, लेकिन यहाँ पे मास एम का ये है ना डिस्क है, मास एम रेडियस आर, ठीक है। तुमसे पूछा है एक्सेलर, इसको ए बोल दिया, इसको बी, वो एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, अल्फा ऑफ ए और स्ट्रिंग में टेंशन। क्वेश्चन फोर, इसका मास दिया हुआ है, मास एम रेडियस आर, ठीक है, और ये डिस्क है। फाइंड टी वन टी टू, टी वन टी टू एंड एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन करो प्रैक्टिस, ये तुम्हें अपने आप करना पहले, और अगर तुमसे ना हो तो फिर कल जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसके अंदर ये क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो अगर इन चारों क्वेश्चन को तुमने अच्छे से कर लिया ना, कहते हैं समझ गए, तो एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे। ये अगर आते हैं तो इसका मतलब है कि तुमको कॉन्सेप्ट आता है, फाइन, ठीक, चलो बाय बाय, बस इतना ही करें, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर।